फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है 10 नंबर, ए क्लाउड इन द स्काई, यानी आसमान में एक बादल। आपका 9 नंबर चैप्टर पिकनिक था, जो कंप्लीट हो गया है, जिसमें 5 फ्रेंड्स थे जो कि पिकनिक पर जाते हैं और सैलड खाते हैं। अब ए क्लाउड इन द स्काई, तो लेट्स स्टार्ट। लुक, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देखो आसमान में बादल है, भोलू सैड, भोलू ने कहा। स्टार्ट रेनिंग ओ क्लाउड, यानी बारिश शुरू करो, ओ क्लाउड, ओ बादल। आई वॉन्ट टू इन्जॉय रैन, यानी मैं चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मैं इन्जॉय करना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ रेन का, बारिश का। सैड निर्मला, निर्मला ने कहा। ओ क्लाउड, आई वॉन्ट टू मेक ए पेपर बोट, मैं क्या बनाना चाहती हूँ, एक पेपर बोट, यानी कागज की बोट, नाव बनाना चाहती हूँ। एंड फ्लोट, और फ्लोट यानी तैराना, इट ओन वाटर, उसे पानी पर तैराना चाहती हूँ। सैड राजू, राजू ने कहा। पिकॉक राजा, सैड पिकॉक राजा ने कहा। आई वॉन्ट टू डांस, मैं क्या करना चाहता हूँ, डांस करना चाहता हूँ। माई डांस इज फेमस, यानी मेरा डांस जो है क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। फिश रानी सैड, अब फिश रानी क्या कहती है, आई नीड मोर वाटर इन माई पॉन्ड, यानी मैं क्या चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी चाहती हूँ अपने पॉन्ड में। तो वो सभी क्लाउड को कह रहे हैं कि क्लाउड बादल पानी बरसाओ हम सब, कोई कह रहा है मैं नाव तैराना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं डांस करना चाहता हूँ, कोई फिश रानी कह रही है मैं अपने पॉन्ड में बहुत सारा पानी चाहती हूँ। रमेश सैड, अब रमेश क्या कहता है, आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूँ। आई वॉन्ट टू सो सीड्स, यानी मैं क्या चाहता हूँ, एस ओ डब्ल्यू सो का अर्थ होता है बीज बोना, सीड्स यानी बीज, एस ओ डब्ल्यू सो यानी बोना, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बीज बोना चाहता हूँ। द क्लाउड स्माइल्ड, अब देखो क्लाउड क्या कह रहा है, स्माइल कर रहा है, हंस रहा है। इट स्टार्टेड रेनिंग, फिर क्या है, बारिश शुरू हो जाती है। वाटर फील्ड द डिचेस एंड द पॉन्ड्स, यानी वाटर जो है वो गड्ढों में और पॉन्ड्स में भर जाता है। बोलू इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, अब देखो बोलू क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है पॉन्ड में। रमेश इज सोइंग सीड्स, अब रमेश बीज बोने लग गया। पिकॉक राजा इज डांसिंग, पिकॉक नाचने लग गया, नाच रहा है। फिश रानी इज़ वेरी हैप्पी, अब जो फिश रानी है वो बहुत खुश है। राजू इज़ फ्लोटिंग ए पेपर बोट, अब राजू क्या कर रहा है, पेपर बोट यानी कागज की नाव को तैरा रहा है। ऑल आर वेरी हैप्पी, सभी बहुत खुश है। थैंक यू क्लाउड, आपका धन्यवाद क्लाउड। ऑल सैड, सब कहते हैं। द क्लाउड स्माइल्ड एंड वेंट अवे, अब क्लाउड स्माइल करता है और चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपकी ग्लोसरी, क्लाउड, क्लाउड मीन्स क्या होता है, बादल। FLOAT, फ्लोट यानी निर्जीव वस्तुओं का सतह पर तैरना, यानी फ्लोटिंग करना, कोई भी चीज़ जिसमें जान नहीं होती उसे निर्जीव बोलते हैं। पौंड यानी तालाब। सीड यानी होते हैं हमारे बीज, सीड मीन्स क्या होता है, बीज। डिचेस यानी गड्ढे, एस ओ डब्ल्यू सो यानी बीज बोना। एक्टिविटी फर्स्ट में ध्यान दीजिए स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, पिकॉक एक्टिविटी फर्स्ट में, यानी जो जो भी करेक्टर आए हैं इसमें, जो कोई काम करना चाहता था उसके नीचे हमें टिक करना है। तो पिको क्या करना चाहता था, वांट्स टू डांस, तो हमने इस बॉक्स के नीचे लगा दिया है। भोलू क्या करना चाहता था, वांट्स टू स्विम इन द पॉन्ड, वो पॉन्ड में तैरना चाहता था। रमेश क्या चाहता था, सोइंग सीड्स यानी बीजों को उगाना चाहता था, तो रमेश वाले बॉक्स में हम क्या कर देंगे, सोइंग सीड्स। फिश रानी क्या चाहती थी, वांट्स टू फिल द पॉन्ड, वो पॉन्ड को फिल करना चाहती थी। राजू क्या चाहता था, पेपर बोट फ्लोट करना चाहता था, तो हम इसमें कर देंगे। निर्मला क्या चाहती थी, इंजॉय रेन, रेन को इंजॉय करना चाहती थी। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी सेकंड, लुक एट दिस वर्ड्स, नोटिस द चेंजेस। रेन का रेनिंग, डांस का डांसिंग, स्विम का स्विमिंग, प्ले का प्लेइंग, फ्लोट का फ्लोटिंग। अब हमें क्या करना है, दिस वर्ड्स आर वर्ब्स, इनको हम वर्ब्स बोलते हैं। द एडिशन ऑफ आई एन जी इज यूज टू शो कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, यानी आई एन जी क्या शो करती है कि कोई काम कंटिन्यूटी यानी हो रहा है। तो ऐसे हम इसमें करेंगे, गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, जी ओ आई एन जी, गोइंग। एक एक वर्ड मैं लिखवाती जाती हूँ, आप लिखते जाना। कम का कमिंग, सी ओ एम आई एन जी, कमिंग। नेक्स्ट है ड्रिंक का ड्रिंकिंग, डी आर आई एन के आई एन जी, ड्रिंकिंग। ईट का
ईटिंग, ई ए टी आई एन जी ईटिंग। जंप का जंपिंग, जे यू एम पी आई एन जी जंपिंग। थ्रो का थ्रोइंग, टी एच आर ओ डब्ल्यू आई एन जी थ्रोइंग। राइट का राइटिंग, डब्ल्यू आर आई। हाँ तो स्टूडेंट राइट का हो जाएगा डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग। रीड का हो जाएगा आर ई ए डी आई एन जी रीडिंग। सीट का हो जाएगा सीटिंग, एस आई डबल टी आई एन जी सीटिंग। ब्रश का ब्रशिंग, बी आर यू एस एच आई एन जी लगा देना है। आई एन जी का मेन होता है कि कोई काम कंटिन्यूटी से हो रहा है। हेयर आर सम एक्शन वर्ब्स, लिसन द वर्ड, लुक एट द पिक्चर्स एंड डू द एक्शंस। जैसे जंप कूदना, रन दौड़ना, डांस नाचना, क्लैप ताली बजाना, लाफ हंसना, ईट खाना, बाथ नाना, स्लीप यानी सोना। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं जिनको हम करने में काम में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको घर पर कोई भी पेपर बोट है, जैसे भी आप बना सकते हैं, उसको बनाना सीखना है इसकी हेल्प लेके, अपनी मम्मा की पापा की हेल्प लेकर। तो नेक्स्ट है आपका, अब हमें वोवल ओ को प्रोनाउंस करना है। टॉप होप पॉप मॉप स्टॉप हॉट पॉट कॉट कॉट एंड डॉट। सब में ओ की साउंड आ रही, ऊपर वाले में ओ और पी की साउंड आ रही थी, नेक्स्ट में ओ और टी की साउंड आ रही थी। तो ये आपका 9 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 10 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको ओनली क्या करना है, नोटबुक में आपकी ग्लोसरी एंड पिको क्या कर रहा था और रमेश बोलू निर्मला ये सब क्या कर रहे थे, ये वाला चार्ट आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।